टेंथ में हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ऑफ मीन्स हमारा आंध्र प्रदेश उड़ीसा नॉर्थ आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट से दूर में वेस्ट सेंट्रल बे में बे ऑफ बंगाल में सी एरिया में ही रहेगा 10 तारीख तक। अभी इतना तक ही फोरकास्ट सिस्टम के लिए दिया गया है। और इसका रिगार्डिंग अभी जो वार्निंग है मेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा एडवाइजर वार्निंग है वो फिशरमैन के लिए, फिशरमैन को 9th एंड 10th हमारा सेंट्रल बे ऑफ बंगाल नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल इसमें 10th में और सेंट्रल बे ऑफ बंगाल इस सेंट्रल में हमारा 9th में जाने के लिए मना किया है। मीन्स डीप सी एरिया में 9th से जाना मना है। तो 10th तक सभी फिशरमैन को कोस्ट में वापस आने के लिए कहा गया है। विद इन 10th सभी फिशरमैन को समुद्र हमारा कोस्ट में वापस आने के लिए एडवाइस है। और इसका प्रभाव में हमारा रेनफॉल एक्टिविटी कोस्टल उड़ीसा में हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में 10th में होने का चांसेस है। और हैवी रेनफॉल एक दो जगह करके आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा का 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग अभी वार्निंग दिया है। ये है गंजाम, पुरी, खुर्दा एंड जगत सिंहपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल 10 तारीख में होने का चांसेस है। अभी यही है सिस्टम रिगार्डिंग। फिर हम लोग कल इसका बुलेटिन दोपहर टाइम में इशू करेंगे। विंड का स्पीड कितना रहेगा? विंड का जो स्पीड अभी हमारा इसका सी एरिया के लिए है। सी कंडीशन अब हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जो अभी दिया है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 10 तारीख में 70 to 80 गास्टिंग टू 90 दिया गया है विंड स्पीड सी एरिया में। अभी कोस्टल एरिया के लिए कोई विंड वार्निंग वा अदर वार्निंग ओनली हैवी रेनफॉल वार्निंग है जो हमने बोला वही है, बाकी कोई वार्निंग जारी किया नहीं है। जो भी है आपका सब सी एरिया में है। जो अभी जो वार्निंग हमने बताया है सी एरिया के लिए है, इसलिए फिशरमैन को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वार्निंग है। फिशरमैन को 10 तारीख तक हमारा वापस आना है कोस्ट में, क्योंकि सी एरिया को डिस्टर्ब रहेगा, सी में हाई सी रहेगा तो उसमें डीप सी में बिल्कुल नहीं जाना है 9 तारीख से, ठीक है। और नहीं वो तो फोरकास्ट हमने बोला ना, अभी 10 तारीख जो है समुद्र आपका वेस्ट सेंट्रल बे तक आएगा, उसका बाद ये वेस्ट सेंट्रल बे जो है हमारा आंध्र प्रदेश और ऑफ मीन्स कोस्ट से दूर होता है, कोस्ट से दूर में रहेगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट से दूर में रहेगा। बट ये जो सी एरिया है वो नज़दीक होता है हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट का नज़दीक में होता है ऑफ मीन्स, ठीक है। बट वो सी एरिया में ही सिस्टम उस समय रहेगा। बट सिस्टम सी एरिया में रहने से भी साइक्लोन का रिगार्ड जो ये होता है पेरिफेरी होता है उसमें भी आपका वेदर होता है। तो पेरिफेरी जो हमारा वेदर जो है उसमें रेनफॉल का है। रेनफॉल का वार्निंग हमने बोला आपका 4 डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल 10 तारीख को दिया गया है, ठीक है। फर्दर जो ये अपडेट आपका नेक्स्ट कल दिया जाएगा। हाँ ट्रैक तो दिया है आपका, ये ट्रैक भी हम लोग दिया है 10 तारीख तक। देखिए सी एरिया में ही है, ठीक है। 10 तारीख तक ही ट्रैक है। ट्रैक का लोकेशन आपका वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में सी एरिया में आ रहे हैं 10 तारीख, ठीक है। नहीं ऑफ मीन्स हमारा कोस्टल एरिया डिफाइन किया जाता है, कोस्ट से 75 किलोमीटर तक कोस्टल एरिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑफ मीन्स उसका बाद, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल जो एरिया है वो आपका दूर में है, उसमें उस समय उसका सेंट्रल लोकेशन वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 10 तारीख में रहेगा। सर ये ट्रैक बदल सकता है क्या? ये फोरकास्ट अभी जो है, हाँ फोरकास्ट का अभी अपडेट, इसलिए तो अपडेट दिया जाता है। ये मोस्ट पॉसिबल फोरकास्ट है, ठीक है।